कितनी भीड़ लग चुकी है यार, सुबह के बज चुके हैं चार, अभी सुबह चार बजे ये हालत है, सुबह चार बजे ये हालत है, क्या होता देखिए आप। और हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए, और ये लाइन लग चुकी है, देख जाओ कहाँ पीछे, किधर पीछे, ओहो लाइन का बस कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा बस, यार अभी तो पर्ची बस जाओ, बस तो अभी भूल जाओ बिल्कुल, बहुत सब बहुत भीड़ है, वहाँ मंदिर में चले जाते हैं ना तो वो लौटा देते हैं वहाँ से कि जाओ पर्ची लेके आओ। अच्छा हाँ, लग जाओ भाई लाइन पे, अभी ऐसा 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 चलेंगे ये दड़बे में से, किसे चलेंगे, यहाँ अंदर जाके होके जाना पड़ेगा, ये ऐसा वैसा यहाँ से कैसे घुसेगा आदमी, तेरे को सब घुसेगा अभी देखेगा हैं, क्या लगा है ये पूरी लाइन जा रही है ना वैसे, गोविंदा तू देख सकते हैं आप, भीड़ इतनी है कि लोग बैठ चुके हैं है? और यहाँ पे से फिर ये दर्शनम की टिकट लेंगे, यहाँ से हो गया भीड़ भी है, पर्ची जिनकी कटती जा रही है ना वो जल्दी जल्दी बाहर भी निकलते जा रहे हैं ना, गोविंदा जय गोपाला। और हम पहुंच चुके हैं टोकन काउंटर पर, जैसे टोकन लिया जाएगा, और दोस्तों टिकट बन चुका है और हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद यह है बालाजी बस स्टैंड, और यहाँ से कितना समय लगेगा पहुंचने में मंदिर में, 20 मिनट। जय गोविंदा जय गोपाला, आगे चेकिंग भी होगा, ये सामान चेकिंग है, चेकिंग हो रहा है, चेकिंग ना, अच्छी स्कैनिंग हो रहा है सामानों के, और यहाँ पे जितना आपका सामान होगा सबको स्कैन किया जाएगा, तिरुमला पर्वत है सारे भैया है तीनों, ये पूरा ऊपर पूरा ऊपर तिरुमला पर्वत है, और हम निकल चुके हैं फिर दोबारा बैठ चुके हैं गाड़ी में, और यहाँ से लगेगा समय आधा घंटा, और आप देखिए यहाँ की खूबसूरती काफ़ी, ये जगह कौन सी है, नाम नेम सी आर ओ ऑफिस दिस इज, अच्छा सी आर ओ ऑफिस, नहाएंगे धोएंगे कपड़े चेंज करेंगे फ्रेश होंगे, और उसके बाद जाएंगे तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और मैं ज़िंदगी में पहली बार जा रहा हूँ, मेरी पहली यात्रा है दोस्तों, ये लॉकर है यहाँ पे, आप अपना सामान रख सकते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हिंदी नहीं आती लोगों को, यहाँ पे सिर्फ चलती है तेलुगु, और तेलुगु अपने को आती नहीं है, जो लोग हिंदी बोल रहे हैं वह थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोल रहे हैं, यहाँ पे महिला हो या पुरुष हर कोई यहाँ पे मुंडन करता है, और मुंडन की खास बात यह है कि जितने आप बाल यहाँ पे दान करोगे तो 10 गुना लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसेगी, तो यहाँ पे मुंडन कराने के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मुंडन करने के बाद देखिए आप, और हम अब जा रहे हैं
मंदिर की तरफ और हमने कर लिया है स्नान। तो दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा और मैं ज़िंदगी में पहली बार जा रहा हूं तिरुपति बालाजी। अगर आप आ रहे होंगे तो आप यहां स्नान कर सकते हैं यहां पे, और मुंडन भी आप यहीं पर करवा सकते हैं। और यहां से हम अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी, भगवान विष्णु श्री हरि, जय गोविंदा जय गोपाला। और काफ़ी सारे तीर्थयात्री भक्त लोग पहुंच रहे हैं तिरुपति बालाजी, आप देख रहे होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाखों की संख्या में हर दिन भक्त पहुंचते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु श्री हरि के दर्शन करने के लिए, देखिए आप। और मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी, और सबसे अमीर मंदिरों में से तिरुपति बालाजी को गिना जाता है सबसे अमीर मंदिर, देखिए। अन्ना डोसा, मसाला डोसा दो, दे दिए और यह है मंदिर जाने का रास्ता। जैसा जैसा भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, और मुझे पता नहीं है कौन कौन सी जगह है। धोती कितने का दिया, एक क्या भैया कितने का दिया, 350 का फुल साइज पट्टा भी, आप 2 मीटर है, 2 मीटर तो देख सकते हैं आप। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, और मैं पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं है कौन सी जगह कहाँ पर है क्या है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस रास्ते हम जा रहे हैं। अगर आप आते हैं तो इस वीडियो को देख के आप आ सकते हैं आराम से, हमें तो दिक्कत होगी, पर अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप भविष्य में आओगे तिरुपति बालाजी। ए भैया मस्त चलो मस्त चलो मस्त चलो, देखिए आप। तो दोस्तों हम अभी पैदल ही जा रहे हैं, अगर आप भी श्री दर्शनम के रास्ते जाना चाहते हैं तो पैदल रास्ता काफ़ी है, देखिए आप। और दोस्तों पानी पीने की पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अगर आप फ्री दर्शन करना चाहते हो तो आपको फिर हॉल में वेट करना पड़ेगा 2 घंटे, और हम जा रहे हैं, और जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, और जहाँ कैमरा बंद करने को कहेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखा नहीं सकता। जहाँ तक दिखाई दे रहा है, जहाँ तक कैमरा अलाउड है मैं तब तक आपको दिखाऊँगा पूरा, तो आप वीडियो पूरा देख रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी, चलो चलो जय गोविंद, चलो देखिए। अब काफी सारे तीर्थयात्री श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और मैंने आपको बता दिया है लाखों की संख्या में प्रतिदिन तीर्थयात्री बालाजी के भक्त पहुँचते ही पहुँचते हैं। चलो भाई चलो, गोविंदा गोविंदा चलो भाई चलो भाई, गोविंदा गोविंदा। कहाँ रुक गया भाई, कहाँ रुक गया, बोल रखा है कोई हिसाब किताब। और दोस्तों हम पहुँचने ही वाले हैं मंदिर में, और जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा मैं तब तक आपको दिखाता रहूँगा, जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होगा तो हम दर्शन करने के बाद फिर आपको मैं दोबारा मिलूँगा, पर जब तक जहाँ तक कैमरा अलाउड है तब तक मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप, भक्त और तीर्थयात्री जा रहे हैं, लाखों की संख्या में है,
मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए आप जयकारों के साथ, जय गोविंदा। ये मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, पीछे दिखाऊंगा, देखिए आप। Yeah.